हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रवि। और दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 7 कक्षा 10 राजस्थान गणित। और हाँ, हर दिन प्रत्येक दिन मैं आपके लिए सिर्फ एक ही तो वीडियो लेके आ रहा हूँ। हर क्वेश्चन को इजी तरीके से, साधारण तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉपियों को साथ रखो, वीडियो को लास्ट तक देखते रखो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है 8वां, हमने कर लिया है 7.1 के 7 क्वेश्चन तक। अगर इस चार्ट को याद कर रखा है तो प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि ये जो मान दिया गया है इसके बराबर ये मान दिया गया है, इन दोनों को सिद्ध करना है। इसका मान इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि टेन अल्फा और टेन बीटा आना चाहिए इसको सिद्ध करने पर। तो बताओ इसको क्या कहते हैं, LHS बराबर में है आपका RHS, यानी कि दायां भाग बराबर बायां भाग। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको इतने वीडियो में कहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा में बदल के भी कर सकते हो, लेकिन हम यार डायरेक्ट ही करेंगे इसको, साइन और कोस में नहीं बदलेंगे, तो देखते रहना। अब बताओ दोस्तों, टेन अल्फा ऊपर क्या है आपका, टेन अल्फा, और बीच में है प्लस, उसके बाद क्या है, टेन बीटा, ठीक है, और बटे का बट्टा। अब यह है यहां पर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो एक बात बताओ, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, और टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। इस सारणी में देखो, टेन का उल्टा क्या होता है, एक बटा कोट, और कोट का उल्टा क्या होगा, एक बटा टेन, यानी कि एक बटा टेन किसका उल्टा होगा, कोट का, और कोट का क्या होगा, एक बटा टेन, यानी कि दोनों विपरीत है। तो यहां पर थीटा मान लो आप, ठीक है, थीटा, तो यही तो होता है। तो अब देखो दोस्तों, यहां कोट अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोट का उल्टा क्या होता है, एक बटा टेन, तो यहां पर अल्फा लगा हुआ है तो यहां लिख सकते हैं एक बटा टेन अल्फा, उसके बाद बीच में है प्लस, तो प्लस, उसके बाद कोट बीटा, तो कोट का उल्टा क्या होता है, एक बटा टेन ही होता है, क्या होता है, एक बटा टेन, और यहां पर क्या लगा हुआ है, बीटा, तो लगा दिया बीटा। इन चीजों को नोट कर लेना, आसान है, क्वेश्चन में काम आएगी। अब बताओ दोस्तों, ऊपर क्या है आपका, टेन अल्फा, बीच में है प्लस, उसके बाद है टेन बीटा, और नीचे है इस लाइन को क्या कहते हैं, बट्टा, ठीक है। अब देखो, या तो आप ले सकते हो एलसीएम, क्या ले सकते हो, एलसीएम, लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा, यानी कि वज्र गुणा करना है। तो बताओ, टेन बीटा को एक के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टेन बीटा प्लस, बीच में है ही, उसके बाद टेन अल्फा को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टेन अल्फा। अब क्या करना है, नीचे कि भाई इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लो, तो टेन टी ए एन, टेन अल्फा और टेन बीटा दोनों को गुणा करेंगे तो यही आएगा, यहां पर बराबर लगाते रहना। अब दोस्तों बताओ, ये क्या है, बट्टे में तीसरी जगह पर बैठी हुई। मैंने आपको कहा है कि जैसे ऐसी कोई संख्या आ जाए तो इनको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं और गुणा में बदल देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी गुणा में चेंज। तो यहां पर क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसको क्या करेंगे हम, ऊपर ले आने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणा में चेंज कर देंगे, तो ये जो नीचे वाली संख्या आ जाएगी ऊपर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा और टेन बीटा, और इसके नीचे क्या रहेगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा। अब बताओ, कोई भी चीज आपको सेम दिखाई दे रही है क्या, दे रही है, ये तो है भाग में और ये है गुणा में, तो टेन अल्फा से यहां पर देखो टेन अल्फा कट रहा है, टेन बीटा से यहां पर देखो टेन बीटा कट रहा है, तो इस साइड में हमारा क्या बचा, टेन अल्फा और टेन बीटा, बराबर में हमें सिद्ध क्या करना है, टेन अल्फा और टेन बीटा, बस यही तो क्वेश्चन था, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। आप अपनी संजीवों में देखना, आपको क्या दिया गया है कि साइन थीटा कोस थीटा में बदल लो, यानी कि इनको साइन थीटा और कोस थीटा में बदल के भी देख सकते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम इस चार्ट को याद ही कर रहे हैं तो सिंपल है, छोटा सा है, क्या है, ऊपर टेन का टेन है, नीचे को क्या, नीचे वालों को क्या करना है, कोट को टेन में बदलना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ना तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ऐसे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, देखते रहे हमारे चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स को।